नमस्कार साथियों, मैं महेश आहूजा एक बार आपका फिर से कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है एफटीआर सीरीज के भारत के इतिहास का भाग सात है। और इस भाग सात में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक्स है मगध का साम्राज्य, मौर्य का वंश, गुप्त वंश, गुप्त के बाद का समय, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं राजपूत वंश। इन टॉपिक्स के प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ आज की क्लास को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न प्राचीन राज्य दिया हुआ है और साथ में आपको उनकी राजधानी दिया हुआ है, कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, यह जो है 16 महाजनपदों की बात दी गई है और उनकी राजधानी के बारे में आपको बताया गया है। तो पहले तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जनपद थे। पहले तो बात हो गई अंग की, अंग के बाद याद रखना मगध हो गया, मगध के बाद हो गया काशी, काशी के बाद हो गया वत्स, और वत्स के बाद हो गया वज्जी। फिर इन सब की राजधानी देखेंगे और उसके बाद हम मैच करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है मल्ल, फिर हो गया कोसल, और कोसल के बाद याद रखना है पांचाल। देखिए, हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए पूरा लिखने की जरूरत मैं यहाँ पर नहीं समझता हूँ, आप इसी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पांचाल के बाद अगला था मत्स्य, फिर है शूरसेन, फिर था चेदी, चेदी के बाद था अवंती, और अवंती के बाद था अश्मक। देखिए, इतना होने के बाद, अश्मक होने के बाद अब देखेंगे कुरु, कुरु के बाद होगा गांधार, और गांधार के बाद याद रखना है कंबोज। तो इस तरीके से हमने देखे ये 16 महाजनपद थे और इनकी राजधानी, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम में आ जाए, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, उसके बाद काशी की राजधानी है वाराणसी, जबकि वत्स की राजधानी थी कौशंबी। तो यहां याद रखना काशी की वाराणसी, जबकि वत्स की राजधानी है कौशंबी, और उसके बाद वज्जी की राजधानी जो है वह थी वैशाली। वैशाली के बाद मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, उसके बाद कोसल की राजधानी है अयोध्या, जबकि पांचाल की राजधानी है कांपिल्य। पांचाल की राजधानी क्या है तो यहां याद रखना कांपिल्य जो है ये पांचाल की राजधानी है। अंग की राजधानी मैं आपको बता देता हूं, यह है चंपा, और वत्स की राजधानी है कौशंबी, कौशंबी ये वत्स की राजधानी है। अब इसके बाद यहां पर आओ, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, विराटनगर यह मत्स्य की राजधानी है। शूरसेन की राजधानी है मथुरा, उसके बाद चेदी की राजधानी है शक्तिमती, अवंती मतलब उज्जैन आएगा, और अवंती के बाद अश्मक मतलब आएगा पोटली, कुरु मतलब याद रखना ये होगा इंद्रप्रस्थ, जबकि गांधार की राजधानी होगी तक्षशिला, और फाइनली ये राजधानी जो है कंबोज की राजधानी जो है वह हो जाएगा हाटक। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया 16 महाजनपदों की राजधानी। अब हम देखते हैं एग्जाम में कौन कौन सा पूछा है। अंग पूछा है जिसकी चापा है, तो यस ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद वत्स पूछा है, वत्स तो वत्स की राजधानी जो है वह है कौशंबी, लेकिन लिखा हुआ है वाराणसी, मतलब ये गलत हुआ। फिर पूछा है पांचाल, पांचाल की राजधानी जो है वो कांपिल्य है, लेकिन लिखा हुआ है काव्यकुंज, मतलब ये गलत हुआ। और मगध की राजधानी जो है वह गिरिब्रज है, मतलब यह जो है बिल्कुल सही हुआ। लेकिन वत्स की राजधानी क्या है, तो वत्स की राजधानी मैंने आपको बता दी है, यह है कौशंबी। तो बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है सेकेंड और थर्ड, ये आंसर हुआ आपका। तो आइए लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि मगध के निम्न शासकों का सही काल क्रम क्या होगा। ये मगध में अब एंटर कर रहे हैं, मगध साम्राज्य में, और जिसमें कौन कौन से वंश आए और उनके बाद फिर कौन कौन से शासक आए। तो पहले तो एक बार वंश को डिस्कस कर लें। अगर हम मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो पहला जो वंश है उसको याद रखिएगा हर्यक, हर्यक के बाद दूसरा वंश था शिशु नाग वंश, शिशु नाग के बाद अगला जो वंश आया वह था आपका नंद वंश, और नंद वंश के बाद हमको याद रखना है मौर्य, ये काफी बड़ा साम्राज्य रहेगा मौर्य वंश, और उसके बाद शुंग वंश, कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद अगला याद रखना है सातवाहन वंश। तो ये सारा हमने देख लिया मगध साम्राज्य था, और इसमें से जो शासक हुए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पितृहंता वंश था वह था हर्यक वंश, हर्यक वंश में सबसे पहले जो शासक हुआ उसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार के बाद उसका बेटे का नाम आएगा जिसका नाम है अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या की थी, और यही कारण है कि यह जो वंश है यह पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। और अजातशत्रु के बाद अगला हमको याद रखना है यह होगा उदयन, उदयन, और उदयन के बाद इसी का जो अंतिम शासक है वह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वंश का अंतिम शासक है नागदशक, बीच में और भी शासक आएंगे लेकिन जो अंतिम शासक है वह कौन होगा नागदशक, यह भी पूछा जा सकता है। शिशु नाग की बात करें तो यहाँ पर संस्थापक जो है वो खुद शिशु नाग हो जाते हैं, और शिशु नाग के बाद अगला जो है वह इसी का बेटा होगा जिसका नाम होगा
काला शोक या फिर हम कहते हैं काकवर्ण, काला शोक उसी को काकवर्ण के नाम से जानते हैं। और अगर शिशु नाग का भी अंतिम शासक पूछा तो यहां पर नाम आ जाएगा नंदीवर्धन का, जिसकी हत्या करके अग्रसेन या फिर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का भी महापद्मनंद हो जाएगा, महापद्मनंद हो जाएगा, ऐसा याद रखना। और इसके बाद यहां पर एंट्री होती है अग्रमीश की, जिसको हम घनानंद के नाम से जानते हैं, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे और इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाएगी। घनानंद का ही नाम याद रखना, अग्रमीश एग्जाम में पूछता बहुत है, यह इसका यूनानी नाम, यूनानी लोग इसको अग्रमीश के नाम से जानते थे। ठीक है, ये घनानंद हो गया। और इस तरीके से हमने शासकों के नाम को डिस्कस कर लिए, बस यहीं से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो पहले लिखा हुआ है उदयन, यस पहला जो नंबर है वो तो उदयन का आना ही था, सो पहला नंबर उदयन का हो जाएगा। उदयन के बाद अगला हमको चाहिए शिशुनाग, हाँ तो शिशुनाग भी आ गया। और उसके बाद हमको चाहिए शिशुनाग का बेटा कालाशोक, मतलब वो भी यहाँ पर आ गया। और उसके बाद नंबर थ्री पर आएगा घनानंद, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये अशोक के संबंध में है, अशोक के संबंध में है, मतलब अब हम मौर्य वंश की बात कर रहे हैं, मौर्य वंश की, अशोक मौर्य वंश का था। ठीक है, और निम्न में से कौन से कथन जो है सत्य है, ये हमको इसको बताना है। तो ये जो कथन है इस कथन पर हम चर्चा करते हैं। इसके पहले हम मौर्य वंश की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह इसका संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसी का बेटा जो बना उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो है अगर बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार मतलब 298 से लेकर 273 तक बिंदुसार, यह भारत का पहला सिजेरियन शासक था, सर्जरी से हुआ था, जिसकी सर्जरी जो है चाणक्य नहीं इसकी सर्जरी की थी। अब बिंदुसार के बाद देखिए, बिंदुसार के वैसे तो महाबग्गा ग्रंथ के अनुसार 101 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था सुसीम, और सुसीम के बाद अगला जो बेटा था उसका नाम था अशोक। ठीक है, महाबग्गा के अनुसार इसके 101 बेटे थे। तो सुसीम जो है उस समय तक्षशिला का गवर्नर था। सुसीम कहाँ का गवर्नर था बोलोगे, तो तक्षशिला का गवर्नर था। और यह जो अशोक है ये अवंती यानी कि उज्जैन साइड का गवर्नर था। तो ये दोनों की पोस्टिंग यहाँ यहाँ हो रखी थी। लेकिन सुसीम के समय यहाँ पर जो है छोटे छोटे विद्रोह हो चल रहे थे, और इन विद्रोहों का दमन करने में सुसीम जो है वो सक्सेस नहीं था। तो दमन करने के लिए अशोक ने इन विद्रोहों का दमन किया। तो फिर अब अशोक का शासनकाल शुरू हो जाता है। तो अशोक जो है जस्ट इसके बाद आएगा, मतलब 273 से लेकर 232 बीसी तक का जो पीरियड है वो अब अशोक का चल रहा है। तो अब हम अशोक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अशोक के, ऐसा कहा जाता है कि ग्रंथ महाबग्गा के अनुसार इसके 100 भाई थे। तो 273 से 232 में जाएं तो 269 यानी कि 269 बीसी में अपने 99 भाइयों को मारकर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। एक सगा भाई था उसको बस इसने छोड़ दिया था, बाकी 99 भाइयों का कत्लेआम किया था और 269 बीसी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद अगर हम और इसके बारे में बात करें तो 261 बीसी हमको याद रखना है। 261 बीसी में इसने अपना कलिंग युद्ध लड़ा था। 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है कि इसने कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग के शासक नंदीराज को इसने हराया था। तो कलिंग युद्ध जो है वो 261 में हुआ था। यह युद्ध जो है वर्तमान कलिंग जो है वो उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। इस युद्ध में हुए भयंकर खून खराबे को देखकर इसके मन में जो है युद्ध के प्रति भत्सना पैदा हो गई थी, और अब उसने शामिया डिसाइड कर लिया था कि यह इसके जीवन का अंतिम युद्ध होगा, मतलब आगे से वह युद्ध नहीं लड़ेगा। और उसके बाद परोपकार करने वाले काम शुरू कर दिए, जैसे प्यासों के लिए इसने कुआं बनवाना शुरू कर दिया था, इसने लोगों की मदद शुरू कर दी थी, हर जगह परोपकारी वाले काम करना अशोक ने इसकी शुरुआत कर दी थी। और उसके बाद अध्यात्म में चला गया था, बौद्ध धर्म को इसने धारण कर लिया था। तो यह भी पूछा जाता है कि अशोक ने कौन से धर्म का था, तो उसमें आपको याद रखना है कि जो है वह बौद्ध धर्म का था। जबकि अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन धर्म से था। फिर अगर हम बात करते हैं बिंदुसार की, तो वो आजीवक संप्रदाय से वो बिलोंग करता था, यानी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार जो कि किसका पिता था, अशोक का पिता था। और जब आप अशोक की बात करते हो तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म का उपासक था अशोक। हालांकि प्रारंभिक समय में अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। अनुयायी का मतलब होता है अनुसरण करना, लेकिन उपासक किसका था, तो आपको याद रखना है उपासक वह बौद्ध धर्म का था। तो इस तरीके से कलिंग युद्ध जो है वो अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध दिखाई देता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से कथन सत्य है। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का उपशासक था, 273 में उसको सत्ता मिली थी, 269 में राज्याभिषेक हुआ था और 261 में उसने कलिंग युद्ध यानी कि अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा था, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी।
बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो यह जो प्रश्न है यह मौर्य प्रशासन से संबंधित है, मौर्य प्रशासन से संबंधित है, जिसमें क्या दिया गया है। तो एक तरफ आपको संबंधित विभाग दे रखे हैं और एक तरफ आपको अधिकारी दे रखे हैं, और इस तरीके से आपको मैच करना है कि किस विभाग का प्रधान जो है वह अधिकारी था। तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है समाहर्ता के बारे में। समाहर्ता जो है, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था, या फिर आप इसको वित्त मंत्री भी कह सकते हो, यानी कि इसका जो कनेक्शन है वह संग्राहक के साथ किया जा सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है वह है सन्निधाता। सन्निधाता जो है ये राजकीय कोषाध्यक्ष था, या फिर भंडारण का अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। यह सब मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न आपको बता रहा हूं। दूसरा जो है वह नागरक है। नागरक जो है ये नगर का कोतवाल था, और नगर का कोतवाल इसका मतलब इसका जो संबंध है वह नगर मजिस्ट्रेट से जोड़ा जा सकता है। अगला है अक्ष पाटलिक। अक्ष पाटलिक जो है वह एक केंद्रीय लेखा अधिकारी से इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखे कुछ प्रमुख विभाग और उसके साथ में हमने देखे उनके अधिकारी। तो इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर होता है ए। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसके संबंध में है, तो यह गुप्त काल के संबंध में है, और गुप्त काल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो अब हम गुप्त काल की बात करेंगे। तो गुप्त काल जो है यह जो पीरियड है 240 एडी से 550 एडी तक का यह पीरियड माना जाता है। ठीक है, 240 से 550 तक का यह गुप्त पीरियड माना जाता है। एक्चुअल जो ये गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे, है ना। सामंत का मतलब होता है ऐसे लोग जो सीमांत प्रदेशों में ही वहां का प्रशासन संभाल रहे। मतलब अगर समझ लीजिए कि आप यहाँ सेंटर पे अपनी राजधानी बना के बैठ रहे हैं और आपका कोई अधिकारी यहाँ पर अपना शासन को संभाल रहा है, तो यह और कोई नहीं, ये सामंत कहलाएगा। तो गुप्त थे कौन, वह कुषाणों के सामंत कहे जाते थे। तो वर्तमान में मतलब स्टार्टिंग में दो सामंत हुए, जिनमें से हम एक को जानते हैं श्री गुप्त के बारे में, और दूसरा जो सामंत है उसका नाम था घटोत्कच। तो ये दो सामंत हुए, उसके बाद गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ जिसको हम चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं। तो वास्तविक संस्थापक की बारी आएगी तब हम लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ही ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो पहले गुप्त शासक या एकमात्र गुप्त शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि की थी वह कौन थे, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। और इन्होंने 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, मतलब अपने राज्यारोहण वाले दिन ही 9 मार्च 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा यह कथन जो है यह बिल्कुल सही कथन है। और भी इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था जो वैशाली में थी, और लिच्छवी कुल की शासिका थी जिनका नाम था कुमार देवी, और तब जाके इनको दहेज में पाटलिपुत्र मिला था। पहले ऐसे गुप्त शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, पहले गुप्त शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, तो वह भी आप चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहेंगे। राजा रानी के सिक्के भी कहा जाता है, या उनको कुमार देवी वाले सिक्के भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है उनके बाद उनके बेटे शासक बने, यानी कि समुद्रगुप्त शासक बने। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। देखिए विस्तार जो हुआ, चंद्रगुप्त का बेटा मतलब कौन, समुद्रगुप्त, 335 से 375 या कहीं कहीं 380 भी देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त का यह पीरियड है, इसको ध्यान रखना। इस पीरियड के दौरान सबसे पहले तो समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, और साथ में इसी ने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है, अगर हम सभी में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा अगर गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ था तो वह किसके टाइम में हुआ था, समुद्रगुप्त के टाइम में हुआ था। इसीलिए यह जो कथन है यह गलत हो जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार नहीं हुआ था। तो यहां पर इस स्टेटमेंट में ऐड कर लीजिएगा, सर्वाधिक लगा दीजिएगा, तब जाकर ये ज्यादा सही स्टेटमेंट सही बैठेगा। साथ में हम यह भी जानते हैं कि समुद्रगुप्त को समरसत की उपाधि, 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहा जाता है। साथ में भारत का नेपोलियन भी विंसेंट स्मिथ ने इनको कहा था। उत्तर से दक्षिण तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला भारतीय शासक भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट समुद्रगुप्त। तो अब पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा गलत कथन है, तो गलत कौन सा है, सिर्फ सेकंड वाला। सो दिस इज द आंसर। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जो है वह समुद्रगुप्त के बारे में सही है। याद रखना समुद्रगुप्त के बारे में सही है। हमने अभी अभी समुद्रगुप्त के बारे में काफी बातें डिस्कस करी थी, अब देखते हैं कुछ और बातों को। यहां पर लिखा है पहला कथन, वह महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला गुप्त राजा था।
तो हमने अभी डिस्कस किया कि महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला गुप्त शासक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम था, तो वह समुद्रगुप्त नहीं हो सकता क्योंकि यह पहला टाइटल जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। चलो, उन्होंने दक्षिणापथ का पक्ष लिया और बाद में उन्हें रिहा करके, मतलब उस राजा को उन्होंने रिहा कर दिया था, यह यहां पर लिखता है। एक्चुअली इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं उनके इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। देखो, चौथा, उन्होंने इलाहाबाद में एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसको इलाहाबाद स्तंभ या अशोक स्तंभ भी कहते हैं और जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात कर रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति। और ये था क्या, एक तरह का स्तंभ लेख था। स्तंभ लेख था मतलब पहले तो एक स्तंभ बनाएंगे, कुछ इस तरीके से ये स्तंभ लेख होगा। इस स्तंभ में जिसकी रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। हरिसेन ने इस स्तंभ में 33 लाइनें लिखी थी गुप्त वंश के बारे में। इन 33 लाइनों में उन्होंने जो जो लिखा था, सबसे पहले तो उन्होंने यह लिखा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने डिक्लेयर किया था समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी, इसीलिए समुद्रगुप्त उसके बाद आ जाते हैं। और उसके बाद यहीं पर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने दक्षिणापथ का पक्ष लिया और बाद में जो है राजा को रिहा कर दिया। मतलब यह है कि दक्षिणापथ वाले राजाओं को पहले तो कैप्चर करते थे, उनके एम्पायर को ग्रहण करते थे और बाद में उन्हें रिहा भी कर देते थे, तो इस तरीके की पॉलिसी है, यह लिखा हुआ था प्रयाग प्रशस्ति में। उन्होंने न केवल पराजित किया, मतलब ये जो है सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा, इलाहाबाद में उनका स्तंभ लेख है, न केवल पराजित किया बल्कि आर्यावर्त के प्रदेशों को हराया। देखिए, आर्यावर्त के प्रदेशों के लिए उनकी एक अलग ही पॉलिसी चलती थी, इसको उन्होंने पराजित भी किया और बाद में उनके क्षेत्रों को हड़प भी लिया था, जो क्षेत्र बाद में गुप्त एम्पायर में शामिल हो गए थे। तो इसलिए यह जो कथन है यह भी बिल्कुल सही कथन है। So, अगर हम डिस्कस करें कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो सही है, तो सेकंड और थर्ड सही है, जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है ये अशोका का पिलर था, ये अशोका पिलर था, तो दिस पिलर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका, इसीलिए यह जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है। तो द आंसर इज सेकंड एंड थर्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है चंद्रगुप्त सेकंड के संबंध में सही है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब समुद्रगुप्त के बाद सक्सेसर कहा जाता है रामगुप्त को, रामगुप्त के बाद होते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। तो देखो, चंद्रगुप्त सेकंड क्या है, देवी चंद्रगुप्तम जो है, देवी चंद्रगुप्तम क्या था, तो यह एक ड्रामा था जो कि विशाखा दत्त की रचना थी। ये हम पहले देख लेते हैं, यह एक विशाखा दत्त की रचना थी। अब कह रहा है कि यह चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में था और ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, तो पहली बात तो ये कथन जो है गलत हो गया। तो देवी चंद्रगुप्तम यह था कि रामगुप्त जब शासक बना और वह शक शासकों से हार गया, तो यहां पर उसने सरेंडर किया और अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी की वह रक्षा नहीं कर पाया था, और जब उसने ऐसा किया तब उसके भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त की हत्या कर दी थी। मतलब रामगुप्त के बारे में वर्णन जो है वह देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है, ना कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में मिलता है। तो इसका ये मतलब ये है कि साथ में यह भी याद रखिए कि रामगुप्त का वर्णन और कहां मिलता है, तो विल्सर अभिलेख जो है, विल्सर अभिलेख में सभी गुप्त शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन रामगुप्त का उल्लेख वहां पर नहीं मिलता। लेकिन रामगुप्त का उल्लेख हमको हरिश्चरित्र में मिलता है, जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है, साथ में काव्य मीमांसा में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो कि राजशेखर द्वारा रचित है। तो इन सब जगहों पर रामगुप्त का उल्लेख मिलता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन विल्सर अभिलेख में सभी गुप्त शासकों के साथ इनका उल्लेख, मतलब रामगुप्त का उल्लेख हमको नहीं मिलता। तो यह जो कथन है यह कथन तो गलत हो गया और देवी चंद्रगुप्तम को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इनके बारे में है कि नागाओं के साथ राजकुमारी कुबेर नागा से इनका विवाह हुआ और इन्हें वैवाहिक गठबंधन में इन्हें प्रवेश दिया। एक्चुअली नागवंश की राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम था कुबेर नागा। कुबेर नागा से इन्होंने विवाह किया था और तब इनकी पुत्री हुई थी जिस पुत्री का नाम था प्रभावती। तो इन्होंने प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक वंश के राजकुमार के साथ किया था और उस समय वाकाटक वंश के राजकुमार थे रुद्रसेन सेकंड के साथ विवाह रचाया था। तो प्रभावती और रुद्रसेन का विवाह हुआ था, इस तरीके से वैवाहिक संबंध उनके कोसल क्षेत्र में भी स्थापित हुए थे और तब जाके वाकाटक वंश की मदद से चंद्रगुप्त सेकंड ने शक शासकों को पराजित किया था। और शक शासकों को पराजित करने की वजह से ही चंद्रगुप्त सेकंड को आप शकारी के नाम से भी जानते हो। और उन्होंने एक और उपाधि, याद रखना,
तब उन्होंने उपाधि भी धारण की थी जो उनको कहा जाता है विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड की ही उपाधि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, विक्रमादित्य की उपाधि। और क्योंकि इन्होंने अपने ही गढ़ के यानी कि अपने ही भाई रामगुप्त की हत्या की थी, इसलिए इनकी एक और उपाधि दिखाई देती है जो उपाधि आपको दिखेगी गणारी की उपाधि। तो शकारी और गणारी यह दोनों उपाधि किसकी है? चंद्रगुप्त सेकंड की है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? हाँ, यह स्टेटमेंट सही है। उसके बाद मेहरौली लौह स्तंभ की बात हो रही है। इस शिला लेख में और प्रयाग प्रशस्ति में, इग्नोर कीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति है ये, शकों पर उसकी जीत का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली बात तो मैं एक बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त की किसी भी जीत का वर्णन आपको नहीं देखने को मिलता है। यहां पर दोनों पर बात हो रही है। हालांकि मेहरौली में जीत देखने को मिलती है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती है। इसीलिए यह जो कथन है यह बिल्कुल गलत कथन हो जाता है। मेहरौली लौह स्तंभ की अगर हम बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है। तो मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम के एक शासक का वर्णन मिलता है, खाली चंद्र लिखा हुआ है, जिसको इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त सेकंड कहा है। तो यहां से यह इतिहासकार यह कहते हैं कि यह चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के बारे में लिखा हुआ है। यह मेहरौली का लौह स्तंभ उनसे संबंधित है। और यही मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वहां पे बंगाल से दुश्मनों पर उनकी जीत का भी उल्लेख हमको दिखता है। तो यह भी चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। तो कौन कौन सा कथन संबंधित है? सेकंड और फोर्थ संबंधित है। और क्या पूछा है? सही कथन पूछा है, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा? निम्न में से कौन से शिलालेख जो है वह कुमारगुप्त के शासनकाल से संबंधित है? तो अब कुमारगुप्त की बात हो रही है, मतलब चंद्रगुप्त टू के बाद, विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त की बात हो रही है। तो कुमारगुप्त के बारे में अगर हम देखें तो दो इसके साथ शिलालेख तो संबंधित है। एक तो है बिलसर शिलालेख, दूसरा है मंदसौर शिलालेख और तीसरा है करमदंड शिलालेख। तीनों शिलालेख जो है वो संबंधित है कुमारगुप्त से। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। सर्वाधिक शिलालेख, सर्वाधिक अभिलेख जो है वह कुमारगुप्त के ही पाए जाते हैं, यह याद रखिएगा। और साथ में सभी गुप्तों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जबकि इन्होंने कार्तिकेय उपासक कहलाए थे। तो कौन कुमारगुप्त के बारे में, आप इन बातों को याद रखिएगा। और साथ में मैं पहले भी बता चुका हूं, बिलसर अभिलेख में तो सभी गुप्त शासकों के बारे में वर्णन है, सिर्फ रामगुप्त का वर्णन यहां पर देखने को नहीं मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध तो स्कंदगुप्त से देखने को मिलता है, और स्कंदगुप्त के जो भी उन्होंने पीडब्ल्यूडी वाले काम किए थे, जैसे सुदर्शन लीग का जीर्णोद्धार एंड ऑल, मतलब ये जो संबंध है जूनागढ़ अभिलेख का वह किससे है? तो वह स्कंदगुप्त से संबंध देखने को मिलता है। तो पूछा है कौन से संबंधित है? तो दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों संबंधित। और लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए विशाखादत्त की बात करते हैं। तो विशाखादत्त की कुछ रचनाओं के बारे में बता दें, तो हमको मालूम है कि मुद्रा राक्षस जो है, एक इसकी रचना है मुद्रा राक्षस, और एक इनकी रचना जिसके बारे में अभी हमने बात की वह था देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों विशाखादत्त की रचना है। घनानंद का एक अमात्य था जिसका नाम था राक्षस, तो उसी के नाम पर यहाँ पर मुद्रा राक्षस की भी रचना हुई थी। तो विशाखादत्त की रचना है। और देवी चंद्रगुप्तम क्या था? तो यह एक नाटक था जिसका संबंध रामगुप्त से है। तो नाटक था, इसका मतलब विशाखादत्त जो है वो नाटक से जुड़ेगा। दूसरा बात करते हैं वराहमिहिर की। वराहमिहिर एक ज्योतिष थे जिन्होंने लघु संहिता, बृहद संहिता, लघु जातक, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, इन सब की रचना की थी। तो अगर हम वराहमिहिर को जोड़ना चाहें तो वह गणित से जोड़ सकते हैं, चरक को हम जोड़ सकते हैं चिकित्सा से, डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, और ब्रह्मगुप्त मतलब भारत के न्यूटन मतलब गुरुत्वाकर्षण की खोज, तो इनको हम खगोल विज्ञान से जोड़ सकते हैं। तो दिख रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वह रहेगा 2, 1, 3, 4। तो हियर इट इज 2, 1, 3, 4, करेक्ट ऑप्शन इज बी। आओ ले रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जो समुचित रूप है वह सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हमको बात करनी है। चलो पहला बात करते हैं मेगस्थनीज के बारे में। तो यह मेगस्थनीज था कौन? तो मेगस्थनीज तो एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से 298 तक का पीरियड यह चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड रहेगा, जिसका यूनानी नाम भी मैं आपको बता दूं, सेड्रोकोटस इसका यूनानी नाम था। तो सेड्रोकोटस इसका यूनानी नाम तो था, यूनानी लोग इसको सेड्रोकोटस कहते थे, जिसको सन 1798 में नाम आता है विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स जिसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, 1793 में उसने इन लोगों को बताया, मतलब यूनानी लोगों को बताया कि भाई साहब जिसको आप सेड्रोकोटस कहते हो वह और कोई नहीं, वह हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यह बात उसने कब बताई, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, 1793 में उसने यह बात बताई थी। तो किसने बताई थी? यह विलियम जोन्स ने यह बात बताई थी।
तो चंद्रगुप्त मौर्य तो हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक यूनानी आक्रमण हुआ था 305 में एक यूनानी आक्रमण हुआ था जिसको हम कहते हैं सेल्यूकस। सेल्यूकस का आक्रमण हुआ था और याद रखना इसकी एक उपाधि भी थी जिसको हम निकेटर कहते हैं। सेल्यूकेटर निकेटर का आक्रमण तो हुआ लेकिन उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। आया संधि के लिए तो फिर यहां से हमारे चाणक्य विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य ने कहा कि संधि हम यहां नहीं, संधि आपकी यूनान में ही जाकर करेंगे। चंद्रगुप्त भाई साहब यूनान पहुंच गए और वहां पर इन्होंने सेल्यूकस की बेटी को देखा जिसका नाम था हेलना। हाँ जी, पहली विदेशी दुल्हन दिख रही है भारत की, हेलना के साथ विवाह होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। तो पहली विदेशी दुल्हन भारत आई है, साथ में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी हमको यहां पर दिख रहा है। तो हेलना और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का विवाह होगा। और अब भाई हेलना को नहीं आती है इसकी भाषा, चंद्रगुप्त मौर्य की भाषा, और चंद्रगुप्त मौर्य को हेलना की भाषा नहीं आती है, तो दोनों के बीच में हमको एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी और वह ट्रांसलेटर और कोई नहीं मेगास्थनीस आया था। और मेगास्थनीस जो है वह राजदूत बनाकर भेजा गया था। तो और जब ये भारत आया तो क्या करता, तो इसने एक बेहतरीन रचना कर दी और इस रचना का नाम इसने लिखा था इंडिका। तो ये थी मेगास्थनीस की कहानी। तो याद रखना मेगास्थनीस ने किसकी रचना की थी, तो इंडिका की रचना की थी। और मौर्य वंश के बारे में बहुत कुछ हमको अर्थशास्त्र से जानने को मिलता है। एक सबसे बड़ा स्रोत तो है मौर्य वंश का क्या है, तो याद रखना वह अर्थशास्त्र है जिसकी रचना 321 में की थी और वह किसने की थी, विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य ने। कूटनीति में महारत हासिल थी इसीलिए इनको कौटिल्य कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, चाणक्य वंश का होने की वजह से इनको चाणक्य भी कहा जाता था। चलिए, इतना डिस्कस करने के बाद अश्वघोष जो है उसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। पाणिनि की बात करें, पाणिनि ने महाभाष्य की, अरे नहीं भाई, पाणिनि ने तो रचना करी थी अष्टाध्यायी की रचना करी थी। याद रखना पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना करी थी और इसी में से कुछ सूत्रों को निकालकर एक भाष्य की रचना कर दी थी। और यह भाष्य की रचना किसने करी थी, तो वह रचना पतंजलि ने करी थी। तो इस भाष्य की रचना पतंजलि ने करी थी जिसको आप महाभाष्य के नाम से जानते हो। तो पाणिनि मतलब अष्टाध्यायी और महाभाष्य का मतलब होता है पतंजलि ने इसकी रचना की थी। तो यह बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। और विशाखा दत्त ने किसकी रचना की थी, मुद्रा राक्षस की। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वह है आपका सी। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी यात्रियों के आने का सही क्रम क्या है। तो मतलब ये जो चीनी यात्री है किस ऑर्डर में आए थे ये हमको बताना है। संयुगन, फाहयान, हेनसांग और उसके बाद अगला दिख रहा है इत्सिंग। तो पहले लेते हैं फाहयान को। फाहयान हमको मालूम है कि किसके शासनकाल में आया था, यह बता दूं तो फाहयान जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और 375 से लेकर 414 तक के पीरियड में चल रहा है। किसका, तो चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल इस पीरियड में चल रहा है। फाहयान की एक रचना को भी याद रखेगा, फोकोकी जो है किसकी रचना है, तो यह भी फाहयान की रचना है। कब आया था फ्रीक्वेंसी बाद में डिस्कस करते हैं। फाहयान के बाद हम डिस्कस करते हैं संयुगन को। संयुगन जो है यह भी 518 ईस्वी में भारत आया था, लगभग 518 ईस्वी दिखाई देता है। यह एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म की प्रतियां इसने एकत्रित की थी, कुछ खास इसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती। संयुगन के बाद अगला हम देखते हैं हेनसांग के बारे में। तो आप सभी को पता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था जिसका पीरियड है 606 से 647 तक का इसका पीरियड हमको दिखाई देता है। अगर पूछा जाए तो 629 ईस्वी में यह भारत आया हुआ था। उसके बाद इसकी एक रचना है, यह भी हमको याद होनी चाहिए, सी यू की जो है वह इसकी रचना है। तो हेनसांग हमको दिख गया और उसके बाद आया था इत्सिंग। तो याद रखना इत्सिंग के बारे में कि 7वीं शताब्दी में यह भारत आया था और यह जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी अपने ग्रंथ में यह वर्णन करता है। कौन, तो वह आपका इत्सिंग। चारों के चारों एक चीनी यात्री थे। तो अब दिख रहा होगा कि पहले कौन आया था, पहले फाहयान आया था। फाहयान के बाद कौन आया था, तो संयुगन का नाम लोगे। संयुगन के बाद कौन आया था, तो हेनसांग का नाम लोगे और उसके बाद आप नाम लोगे इत्सिंग का। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर निकलता है बी। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था। हर्षवर्धन मतलब यहां पर एक वर्धन वंश का शासक था, वर्धन वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। और अगर हम बात कर रहे हैं पुलकेशिन की, तो यह पुलकेशिन सेकंड है जिसका संबंध जो है वह चालुक्य वंश से था। वर्धन वंश में इसकी जो राजधानी थी वह थी कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जबकि चालुक्य वंश की राजधानी उस समय वातापी या फिर आप इसको वेंगी भी कह सकते हैं। हर्षवर्धन का दरबार कवि हमको पता है कि बाणभट्ट इसका दरबार कवि था और इसकी जो रचना थी वह रचना थी जिसको आप कहते हैं हर्षचरित्र।
हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना थी। जबकि इधर अगर हम बात करें पुलकेशिन का दरबार कवि, तो उसका नाम था रवि कीर्ति दरबार कवि था, और इनकी भी एक फेमस रचना है जिसको हम ऐहोल प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। चलिए, इतना देखने के बाद अब इस ऐहोल प्रशस्ति में बात जो आ गई, तो ऐहोल प्रशस्ति में ही एक युद्ध का वर्णन हमको मिलता है। कहां पर? तो रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति में हमको एक युद्ध का वर्णन मिलता है। और इस युद्ध में, मतलब इस ऐहोल प्रशस्ति में यह कहा गया है कि जब इस हर्षवर्धन का दक्षिण अभियान चल रहा था, तो इस दक्षिण अभियान को रोकने के लिए पुलकेशिन सेकंड ने उस अभियान को रोका था। और तब जाके, अगर मान लो इस तरीके से हर्षवर्धन जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है और दक्षिण से बढ़ रहा है पुलकेशिन सेकंड, तो वह एक नदी पर आके रोकता है। एक नदी के मध्य यह युद्ध होता है। उस नदी का नाम आपसे पूछा गया है, उस नदी का नाम है नर्मदा। तो कौन सी नदी के नाम हुआ था नर्मदा, जिसको उस समय रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं? सो आंसर है ए। So, इस तरीके से इस क्लास का, इस टॉपिक में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इस टॉपिक के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अगले कुछ प्रश्नों के साथ। सो थैंक यू क्लास एंड जय हिंद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।